हाय गाइस, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अजियो हॉल। तो मैंने कुछ एक ये कैमिसोल मंगाई हुई, कुछ एक तो नहीं काफी सारी मंगाई हुई है डिफरेंट डिफरेंट कलर की, और कुछ मैंने ये जॉगर्स मंगाए हुए हैं ब्लैक कलर के। एक्चुअली हॉल सिर्फ इतना ही है। ये एक्चुअली मैंने इसलिए मंगाया हुआ है क्योंकि मैं कुछ टाइम से ही अभी मैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करी हूँ, काफी टाइम से मैंने बंद कर दिया था, और ये मेरी डबल चिन्ना ये ट्रिपल होने वाली है। तो अब मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दिया क्योंकि खाना पीना रच के चल रहा था। मायके गई थी तो और ज़्यादा मोटी होके आ गई थी, वहाँ जाके यार खाना पीना हो जाता है। तो अभी मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करी है तो थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि चेंजेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर आप जिम जाते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। और ये मैंने कुछ एक जॉगर्स मंगाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हॉल को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पीस है वो है ये ग्रे कलर का, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉटन स्टफ है, मतलब मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं यार ये बाहर पहनने के लिए। तो कुछ इस टाइप की होती हैं ये, और अगर आपको सूट वगैरह के अंदर भी पहनना हो आप पहन सकते हैं, टॉप वगैरह के अंदर भी पहन सकते हैं, काफ़ी सही रहती हैं। आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये मैंने अलग अलग कलर की इसलिए मंगाई हैं क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस मिलते हैं लाइफ में तो अच्छा लगता है। मुझे एक ट्रैक में चलती हुई गाड़ी पसंद नहीं है, तो मैं एक रंग के साथ नहीं जा सकती, मुझे डिफरेंट डिफरेंट शेड चाहिए होते हैं। तो आप कपड़े की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। तो पहला पीस ये है, ब्लैक कलर का एक्चुअली मैं पहन चुकी हूँ, और नेक्स्ट पीस ये ब्लैक कलर ही है। ब्लैक तो यार मतलब ब्लैक शेड तो जान होता है यार। तो ये रहा ब्लैक कलर का पीस, और इससे नेक्स्ट शेड है हमारा ये क्या कलर बोलते हैं यार इसको, पता नहीं कौन सा कलर बोलते हैं, मुझे कलर नहीं पता, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। TS ब्रांड की है ये, और काफ़ी कंफर्टेबल है। और इनमें ना जो ये वाली है ब्लैक वाली, इसमें आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, और जो ये वाली है इसमें भी आपको एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा। तो इनकी प्राइस रेंज अलग है, बट इसमें एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हैं इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है, तो इसका प्राइस रेंज अलग है। और इसकी कपड़े की क्वालिटी इनकी अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उनकी अपेक्षा। और ये रहा पर्पल कलर का, लेवेंडर कलर तो यार मतलब बहुत ही प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं शेड कितना ब्यूटीफुल है। और ये सेम इसी ब्रांड का है, तो इन दोनों की क्वालिटी सेम है, और इसमें भी एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और साइज वगैरह बहुत ही अच्छा आया हुआ है, और मुझे ना स्पेशली कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है, इजी टू वियर है, और आप कितने भी घंटे से पहन के रख सकते हैं, मतलब काफी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट पीस है ये ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर है ये, काफी सुंदर लगता है ये कलर भी, आपकी ब्राइट स्किन है तो काफी अच्छा लगता है। और इसमें भी आपको ना एडजस्टमेंट के लिए दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, आपको छोटा बड़ा जैसा भी करना हो। तो ये भी इसी ब्रांड का है, TS शायद ब्रांड है, वेट अ मिनट मैं देख के बताऊं, या TS ब्रांड का ही है, ये भी TS ब्रांड की ही है। नेक्स्ट मेरे पास पीस है ये स्किन कलर का, आपकी ना कुछ कुर्तियां ट्रांसफर होती हैं तो आप उसके अंदर ये वियर कर सकते हैं, अगर ट्रांसफर होती हैं तो अंदर से आप अगर इनर वियर ये पहन लेंगे तो आपको ज्यादा मतलब सही लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। अगर आपको ट्रांसफर वाले कपड़े पहनना पसंद है तो वो आपके ऊपर है, अदरवाइज आप इस टाइप की ये कैमिसोल वियर कर सकते हैं। ये ब्रांड है शीला ब्रांड है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट इसमें एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, ये ऐसे ही है, और कपड़े की क्वालिटी इसकी सेम ऐसी है ब्लैक जैसी। नेक्स्ट लास्ट पीस है ये कैमिसोल का, ये कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर इसके नेट लगी हुई है, नेट चुभने वाली नहीं है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट कम्फर्टेबल नेट है, और काफ़ी अच्छी है। और इसका जो कलर है वो मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट इसका मेहरून कलर है, और कुछ इस टाइप का है, आगे से इसमें वी नेक दिया हुआ है, पीछे से ये कुछ ग्लास नेक है। प्राइस रेंज सबकी अलग अलग है उनके कपड़े के अकॉर्डिंग। कपड़े की क्वालिटी की रही बात, इसकी जो क्वालिटी है वो सेम इसी के कपड़े की क्वालिटी है, प्राइस में जो फर्क है वो आप खुद देख सकते हैं कितना फर्क है, बट जो इसकी क्वालिटी है सेम इसकी क्वालिटी TS ब्रांड का ये भी है। बट मुझे ऐसा फील हुआ TS ब्रांड के कपड़े ना ज्यादा अच्छा है, जो मैंने ये और कैमिसोल खरीदे हैं ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, मतलब ना पहना हुआ पता भी नहीं चलेगा, इतना लाइट वेटेड है। तो अब बात कर लेते हैं जॉगर्स की, तो मैंने ये दो पीस मंगाए हुए हैं, एक तो बिल्कुल ब्लैक है और एक में थोड़ा सा साइड में एक प्रिंट है। तो ये बिल्कुल प्लेन है, आप इसको मॉर्निंग वॉक में पहनना चाहे मॉर्निंग वॉक में पहन सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अगर आप घूमने जा रहे हैं तब भी आप इसको पहन के जा सकते हैं। तो आगे से कुछ इस टाइप की इसकी लुक है, काफी सुंदर है, मतलब अच्छा सा कैजुअल सा लुक आता है, नीचे से आप शूज पहन लो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल सा लुक आता है, और नीचे से ये कुछ इस टाइप का है, बैंड इस पे लगा हुआ है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए नीचे से यहाँ पर इलास्टिक लगी हुई है, तो ये काफी सही लगता है और लुक भी काफी अच्छी आती है। और रही बात पॉकेट की, तो पीछे से पॉकेट का ये निशान बना हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर ये निशान बना हुआ है, बट ये पॉकेट नहीं है। और फ्रंट में, हाँ फ्रंट में यहाँ पर तो पॉकेट है, और सेकंड हैंड में भी पॉकेट है, तो दो पॉकेट आपको आगे प्रोवाइड करी हुई है, बट बैक में खाली डिजाइन है,
बैक में पॉकेट नहीं है तो कुछ इस टाइप का ये लोवर है। नेक्स्ट ये है, इसमें साइड में ये प्रिंट दिया हुआ है और ये ना सर्दी के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। इसके ना कपड़े की जो क्वालिटी है हल्की मोटी है, ये काफी ज्यादा पतला है, ये कॉटन टाइप का स्टफ है बट ये थोड़ा सा मोटा स्टफ है, ये आप सर्दी में भी पहन पाएंगे। अभी हल्का सर्दी का मौसम तो आ ही गया है तो उस टाइप का ये कपड़ा है, तो इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है उसकी अपेक्षा, प्राइस में भी फर्क आएगा दोनों में। और ऊपर से यहाँ पर अच्छा इसमें बैंड दिया हुआ है, इलास्टिक अच्छा दिया हुआ है, ग्रिप अच्छी बनती है लोवर वगैरह की, तो आप अगर ये लेना चाहें ये भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये भी ले सकते हैं। मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और प्राइस वगैरह आप देख लीजिए किसका कौन सा आपको सही लग रहा है। और इसके जो नीचे पाँव है ना, इसमें भी आपका यही इलास्टिक सा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये रहा इलास्टिक, तो दोनों में वैसे ही शेप है। नीचे से आप शूज पहनिए, बहुत ही कैजुअल लुक आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस आज का हॉल तो यही था अजियो हॉल, आई होप ये अजियो हॉल आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पर गिव अवे अनाउंसमेंट चल रहा है, तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लो यार, अभी तो गिव अवे फेस्टिवल तक चलते ही रहने मेरे चैनल पर, आगे का आगे देखेंगे, फेस्टिवल जब तक है तब तक गिव अवे जरूर आएगा। तो जल्दी मिलती हूँ एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। 5 वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाय।